नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और एक बार मैं मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पता है, हम पिछले कुछ वीडियो से IIM और MBA में क्या कनेक्शन है। जब भी हम कभी MBA के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है, वो आता है IIM, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रबंध संस्थान। तो भारत में तकरीबन 20 से ज़्यादा IIM के इंस्टीट्यूशंस हैं और IIM के कॉलेजेस हैं, जिसको हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट कोर्सेस लोगों को ऑफ़र किए जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम सोचने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में हमने देखा है कि लोग MBA के बारे में जब सोचते हैं तो IIM के बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का यह सपना होता है कि मुझे MBA करना है तो सिर्फ एंड सिर्फ IIM से करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से करना है, भारतीय प्रबंध संस्थान से ही करना है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो रीजंस हमने पिछले वीडियो में देखा है। उसके बाद हमने देखा है कि भारत में तकरीबन 20 IIM के सेंटर्स हैं, IIM के इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ से मैनेजमेंट कोर्सेस ऑफ़र किए जाते हैं। तो उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि अगर किसी भी कैंडिडेट को IIM में MBA के लिए एडमिशन लेना है तो फी स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि मैंने बोला, 20 से ज़्यादा IIM सेंटर्स हैं, तो हर एक सेंटर का फ़ी अलग है, हर एक इंस्टीट्यूशंस का फ़ी अलग है। और तकरीबन फीस जो शुरू हो रहा है वो 10 लाख से शुरू होता है और मैक्सिमम फ़ी जो आ रहा है 28 लाख फ़ी आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर MBA में एडमिशन लेना है और वो भी IIM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, जो कोर्सेज MBA का ऑफ़र किया जाता है, अगर उसमें मुझे एडमिशन लेना है तो कट ऑफ परसेंटाइल क्या होता है। शुरू के वीडियो में हमने देखा था, अगर MBA में IIM में एडमिशन लेना है तो दो प्रकार की एग्ज़ाम्स हमें देना पड़ता है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम उसको बोलते हैं। आपको पहले ग्रेजुएट होना है और ग्रेजुएट होने के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ज़रूरी है, जैसे कि कैट है और GMAT है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अगर मैंने कैट दिया है, GMAT दिया है, तो कट ऑफ परसेंटाइल क्या है अगर मुझे IIM के इंस्टीट्यूशन में MBA के लिए एडमिशन लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अभी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक आप सब लोग मेरे चैनल में अगर नए हो तो बिना भूले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उस बेल आइकॉन पे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस फ्यूचर में मिलते रहेंगे, इस प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपको इस प्रकार के वीडियोस का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं बोलने जा रहा हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे, अगर मुझे MBA में, वो भी IIM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, भारतीय प्रबंध संस्थान में अगर एडमिशन लेना है तो क्या होगा कट ऑफ परसेंटाइल, तो उसके बारे में आप सोचेंगे। और इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। आप सभी को मेरी एक दरख्वास्त है, ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं वो अपने आप निकल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में बिना टाइम गंवाएं, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले और एक बार मैं आपको दरख्वास्त करूंगा, ये है मेरा एकेडमिक चैनल जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक इनसाइट्स, इसके द्वारा मैं आपसे मिलता रहता हूं और अब तक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूं। तो अगर आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी आप इस चैनल में नए हो तो बिना भूले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है उस बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, इस प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बिना भूले ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर मुझे IIM बेंगलोर और IIM अहमदाबाद और IIM के कोई भी इंस्टीट्यूट में मुझे अगर एडमिशन लेना है तो मुझे दो प्रकार की एग्ज़ाम्स देना ज़रूरी है, जैसे कि हमने बोला है कैट और GMAT। अगर हम ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जो भी परसेंटाइल हमें उस एग्ज़ाम में मिलता है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन मिलता है, वो परसेंटाइल हमें एडमिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। याद रखिएगा, जो भी परसेंटाइल हमें कैट में मिलेगा, कॉमन एडमिशन टेस्ट में मिलेगा और GMAT में मिलेगा, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट में मिलेगा,
वो सभी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो हम देखेंगे अगर IIM के इंस्टीट्यूट में ही हमें एडमिशन लेना है तो क्या परसेंटाइल है। जैसे कि मैंने बोला तकरीबन 20 से ज़्यादा IIM के सेंटर्स हैं और वो मैनेजमेंट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन का परसेंटाइल अलग है। जैसे कि बोला 20 इंस्टीट्यूशन है तो 20 इंस्टीट्यूशन का परसेंटाइल अलग है, परसेंटेज अलग है, और उसके हिसाब से आपके परसेंटेज के हिसाब से आपके परसेंटाइल के हिसाब से जो भी आपका कट ऑफ है उसके हिसाब से परसेंटाइल के हिसाब से आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अगर मुझे IIM बेंगलोर में एडमिशन लेना है, अगर मुझे IIM अहमदाबाद में एडमिशन लेना है तो कितना परसेंटाइल होना चाहिए। तो देखते हैं क्या परसेंटाइल है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मुझे IIM में MBA एडमिशन का कट ऑफ परसेंटाइल देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, ये जो कट ऑफ परसेंटेज है, ये जो परसेंटाइल है, इसमें इस साल में चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, ये जो परसेंटाइल है ये पिछले साल का परसेंटाइल है, इस परसेंटाइल से आपको भी आइडिया मिल सकता है अगर मुझे IIM के अहमदाबाद में एडमिशन लेना है तो कितना परसेंटाइल मुझे होना चाहिए, अगर मुझे IIM के जम्मू में एडमिशन लेना है तो कितना परसेंटाइल होना चाहिए। ये सारी बातें आपको इस वीडियो के दौरान आपको मुझे समझाना है, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। मेरी सभी दोस्तों को ये दरख्वास्त है, विनती है, सूचना है कि वीडियो अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। पहले देखते हैं हम IIM अहमदाबाद, अगर मुझे IIM अहमदाबाद में एडमिशन लेना है तो मुझे कट ऑफ चाहिए 99.5। काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की टॉप इंस्टीट्यूशन से MBA करना है तो आपको उतना तगड़ा कंपटीशन भी देना पड़ेगा, उतना सारा एफर्ट्स आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है। तो देखते हैं, पहले हमने देखा अहमदाबाद में अगर एडमिशन लेना है तो 99.5 परसेंटाइल आपको होना चाहिए, अगर बेंगलोर के IIM में आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पे भी सेम परसेंटाइल आपको कैरी करना है, आपके पास होना चाहिए 99.5। सिमिलरली अगर हम जाएंगे कोलकाता में जाएंगे तो वहाँ पे भी सेम परसेंटाइल हमें ज़रूरी है अगर IIM कोलकाता में हमें एडमिशन लेना है। उसके बाद हम जाएंगे लखनऊ पे, IIM को लखनऊ पे, यहाँ पे थोड़ा सा ये परसेंटाइल नीचे आया हुआ हमें दिखता है, वो है 0.5 से, अगर लखनऊ में हम एडमिशन लेना है तो 99.00 परसेंटाइल हमें होना चाहिए। उसके बाद कोझिकोड में 98.5, इंदौर में 98, शिलांग में 96.5, यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखता है, जैसे कि ये जो IIM के सेंटर्स है काफ़ी पुराने नहीं है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज हमें कम दिख रहा है। उसके बाद शिलांग देखेंगे, रांची देखेंगे, शिलांग में 96.5 दिख रहा है, रांची में 95, उदयपुर 95, रायपुर 95, ट्रिची 95, काशीपुर 95, रोहतक 95, ये सभी IIM के इंस्टीट्यूट्स में 95% आपको होना चाहिए तभी आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। सिरमौर में है 90-95, बोधगया 90-95, विजाग 90-95, नागपुर 90-95, अमृतसर 90-95, संबलपुर 90-95 एंड जम्मू ऑल्सो 90-95, ये सारा परसेंटाइल है। इस परसेंटाइल को देखने के बाद हमें एक ही बात समझ में आती है मेरे प्यारे दोस्तों, ना भूलिएगा, अगर हमें MBA करना है, अगर वो भी काफ़ी तगड़े इंस्टीट्यूशन से जैसे कि IIM है, तो वहाँ पे अगर हमें एडमिशन लेना है, अगर हमें एडमिशन वहाँ पे चाहिए तो हमें काफ़ी अच्छा स्कोर सीट कैट में और GMAT में करना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ मुझे डिग्री में अच्छे मार्क्स हैं तो ये आपका भ्रम है, डिग्री में मार्क्स आना बहुत अच्छी बात है, मगर साथ ही में जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं MBA के लिए और स्पेशली IIM के लिए भी, कैट है, जैसे कि GMAT है, उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा परसेंटाइल होना ज़रूरी है, तभी आपको काफ़ी तगड़े और अच्छे और पॉपुलर और रिनॉन्ड और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा, तब तक एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपका सपना IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, तो आपका परसेंटाइल काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। अगर हम इस परसेंटाइल को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा परसेंटाइल सिर्फ 0.5 से कम है ना तो ये 100 हो जाता है, कम से कम 99% आपको लाना ही है तभी आप IIM के बारे में सोच सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो द्वारा मैंने आपको IIM में अगर MBA में एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये पूरा परसेंटाइल क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा,
इसके बारे में आपको जानकारी दी। मुझे लगता है ये जानकारी आपको पसंद आई। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो मेरा वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। आने वाले वीडियो में हर एक IIM इंस्टीट्यूशन के बारे में हम इलाबरेटली और जिसको हम बोलते हैं सविस्तर जानकारी लेंगे। कोई भी हम पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि IIM अहमदाबाद है तो IIM अहमदाबाद का क्या प्रोसीजर है, परसेंटाइल क्या है, प्लेसमेंट क्या है, फैकल्टीज़ कैसी हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, परसेंटाइल क्या है, हर एक के बारे में हम ब्रीफ में नहीं प्रिसाइज में बात करेंगे। और हर एक वीडियो में बनाऊंगा, जैसे कि 20 IIM सेंटर्स हैं तो 20 वीडियोस में आपके लिए बनाऊंगा और आप तक लेके आऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बिना भूले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर भी प्रेस करना है ताकि इस प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको अपने आप मिल जाएंगे। और जाते जाते एक तगड़ी बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही में ये वीडियो आपके दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि उनको भी काफ़ी तगड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी कमेंट बॉक्स वहाँ पे दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा ताकि हम इस प्रकार के वीडियोस को और भी बेहतर बना सकें। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा इस आशा के साथ मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त इस वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।